मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे, और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। मगर सभापति महोदय, जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली, और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आईज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां है ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आईज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए, अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक सफलता, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था, और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी, और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे, और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सभय सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है, और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात कर रहा हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े, और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमारे ही, हमें लगता है कि भारतीय समाज में भी कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर, हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है, कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय बहुत उठाया, और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर
संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही, मगर महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया और किस भावना से प्रेरित किया, मैं तीन उदाहरणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरमबंग में कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म ट्रायंफ ऑफ द विल का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी सोचिए कि ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद रीस्टैग को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही। अर्थात संविधान के ऊपर खतरा और संविधान से किस प्रकार की परिस्थितियां थी आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। 38वां और 39वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई जुडिशरी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वो लोग आकर आज कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करने वाले हैं। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया, वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए और बाबा साहब अंबेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की आत्मा कहा था उस आत्मा को भी बदल दिया गया। वो लोग आज कहते हैं, और आज प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक एक लाइन वेट करानी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था, आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक हुए हैं, तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। महोदय, मगर इतना ही नहीं था, यह सिर्फ इमरजेंसी का विषय नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जब ये सत्ता में आए संविधान खतरे में आया। श्री राजीव गांधी जी जब सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वो निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंदकर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया, संविधान खतरे में था। और तब हमने उसका विरोध किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो। यह सिर्फ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था।